वेलकम टू माय चैनल। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं अगला वीडियो जरूर से जल्दी लाऊंगा, लेकिन मुझे लेट हो गया, सो सॉरी। और मैं आज इस न्यू वीडियो में कुछ आप लोग को बनाना सिखाऊंगा जो आप लोग को काम आएगा। गेस करो क्या मैं बनाऊंगा। यस, आप लोग ने सही सोचा, मैं एक टैग बनाने वाला जो मैंने पिछले वीडियो में अपने केक पर अटैच किया था। तो आइए बने रहिए लास्ट तक वीडियो में, लेट्स गो। आपको इसे बनाने के लिए एक सबसे पहले लेना होगा एक कार्डबोर्ड, एक पेंसिल, एक रेजर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कंपास। सबसे पहले हम लोग कंपास को खोलेंगे और पेंसिल को इसमें डाल देंगे और इसे लॉक कर देंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंस इमेज को देख के जितना बड़ा सर्कल है उसे बना। मैंने इसे काट लिया डिफरेंस इमेज को देख कर। मेरा डिफरेंस इमेज एक डोनट है। अब मुझे इससे बड़ा एक स्क्वायर शेप काटना होगा जो मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना बड़ा ये स्क्वायर पेपर काटा है, क्योंकि मुझे इसके पीछे पेस्ट करना है। आप लोग भी अपने रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग इसे काट लें कि आप लोग भी इसके पीछे पेस्ट कर सकें। तो गाइज अब हम लोग इसे पेस्ट करते हैं ग्लू से। हम लोग मैं करते जाऊँगा और आप लोग देखते जाइएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। मैंने एक्स्ट्रा पेज इसलिए काटा है कि इसे आसानी हो पेस्ट करने में। तो लेट्स गो। तो गाइज मैंने पेपर को इसके ऊपर अटैच कर चुका हूँ, इसे आप देख सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा पेपर लिया था इसलिए मुझे आसानी हुई और जल्दी हुई इसको चिपकाने में। आप लोग देख सकते हैं डोनट का बीच वाला होल, मैं सब इसे काट के इसके पीछे फिर से चिपकाऊंगा। तो आप लोग बने रहे और देखते रहें। तो गाइज मैं इसके बीच को होल का काट चुका हूँ और मैं इमेज के अकॉर्डिंग इसे बनाना शुरू करता हूँ। आप लोग देखते जाइए, मैं सबसे पहले इसका क्रीम बनाऊंगा, उसके बाद इसके छोटे छोटे वेंकल्स बनाऊंगा। आप लोग देखिए। तो गाइस मैंने इसके ऊपर का क्रीम और विंकल्स बना चुका हूँ। अब मैं हम इसे पेंट करते हैं। तो गाइस अब मैं दोनों कलर बना लिया हूँ, तो मैं पहले ब्रेड करूँगा। तो गाइस अब मैं ये कर चुका हूँ, तो आप लोग सावधानी से करिएगा वरना कलर इधर उधर हो जाएगा। तब आगे देखते जाइए, मैं इसका क्रीम करूँगा। गाइस इसे अच्छा से करें वरना कलर इधर उधर हो जाएगा। तो गाइस अब मैंने इसके क्रीम को भी कलर कर चुका हूँ, तो मैं इसके स्प्रिंकल्स को कलर करूँगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो गाइस अब मैं इसका स्प्रिंकल करूँगा। गाइस मैंने तो ब्रश पेन लिया है डोम्स का करने के लिए। आप लोग को जो मन चाहे वो कर सकते हैं, आप लोग पेंट कलर से भी कर सकते हैं, पेंसिल कलर से भी कर सकता हूँ। मैंने डोम्स का ब्रश पेन लिया है। Thank you.
गाइस मैंने इसका स्प्रिंकल भी कर लिया। अब इसमें से अंडरलाइन करूँगा और इसके आगे आपको दिखाता हूँ ये कैसा लग रहा है। तो गाइस ये कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे अंडरलाइन करने के लिए मोटा वाला मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग भी ज़रूर से ज़्यादा मोटा वाला मार्कर यूज़ करिएगा, ऐसे ये ज़्यादा हाईलाइट हो सके और ज़्यादा प्यारी लगे और खूबसूरत भी। गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर मोटा वाला मार्कर से अंडरलाइन कर चुका और ये कितना प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रहा है। आप लोग देखते जाइए और मैं इसके पीछे अब आइसक्रीम स्टिक चिपकाऊंगा ये, क्योंकि और अच्छे लग। तो गाइस आप देख सकते हैं इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग मैं स्टिक से इसके ऊपर मार्क कर चुका हूँ कि मुझे कितना काटना है। आप लोग भी अपने स्टिक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा कि आपको कितना काटना होगा। मैं इसे काट रहा हूँ। जस्ट कीप इट थिन, इसको पतला रखिएगा। ये बहुत मजबूत है, मुझसे कट भी नहीं रही है। गाइज मैंने इसके इसको काट चुका हूँ। अब इसके पीछे मैं इसको अटैच करूँगा सेलो टेप से। आप ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं पर मेरे पास सेलो टेप है इसलिए मैं सेलो टेप से कर रहा हूँ। गाइस आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए। मैं इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे फ्रेंड्स इमेज डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप लोग को। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कितना प्रीटी और अच्छा बना है। तो आप लोग प्लीज़ जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और घंटा पे जोर से मुक्का मार के ज़रूर से जाना। बाय 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 बाय।